नमस्कार, मैं हूं बब्बन पच्चीसी और आप देख रहे हैं फूकता है भारत। जी हाँ, ये भारत जो फूक फूक कर कदम रखता है। तो हमने पिछली बार आप लोगों से क्या कहा था बताइए? तो हमने पिछली बार आप लोगों से पूछा था कि रात के 9 बजे का डिबेट का टॉपिक क्या होना चाहिए। जी हाँ, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। हाँ जी, पहला अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा किसान आंदोलन, तीसरा कोरोना पेंडेमिक और चौथा चाइना वॉर। तो इसीलिए सबकी बातें सुनने के बाद आज हम लोगों ने इस डिबेट का टॉपिक चुना है जिसका नाम है पबजी बैन। जी हाँ, पबजी बैन। और इसके लिए, इस डिबेट के लिए हमने 2 एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। हेलो बहन चोद, असली में एक्सपर्ट बुला लिए क्या चूतियों? ग्लिच के लिए माफी। जी हाँ, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे देश के युवा। जी हाँ, वो युवा जो कि अब जाग चुका है, दोपहर का 2:30 बज गया है ना। जी हाँ, वो युवा जो कि बार बार लगते हुए बैन से परेशान हो चुका है। तो आइए बात करते हैं। हाँ जी मिस्टर युवा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पबजी बैन के बारे में? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज रियली नाइस, आई लाइक दैट। ठीक है, तो दूसरे छोर पे हमारे साथ मौजूद है हमारी रूलिंग पार्टी की नेता, जो कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही नटखट है, मिस मोहिनी। आइए मिस मोहिनी जी से बात करते हैं। मिस मोहिनी जी, एक्चुअली मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि बड़वे चुप करना यार। मोहिनी जी प्लीज इग्नोर, मतलब भूल जाइए यार, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे पबजी बैन के। सो बबन जी, आई बिलीव कि पबजी के ऐप के मैप्स में ही ना चक चक गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो इन गड्ढों का क्यों नहीं कुछ किया जाता? गड्ढों को देख के मुझे लगता है कि बीएमसी आखिर करता है क्या, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? आर यू सीरियस? क्या बोल रही है? कुछ भी, तुम शट योर माउथ, डोंट यू अंडरस्टैंड, डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर वुमेन? ये चीज याद रखो, एक औरत ने ही तुम्हें जन्म दिया है, एक औरत की इज्जत करो, समझे? एक सेकंड में, हेलो यार, तेरे को समझ में नहीं आता बार बार कॉल करे जा रही है? चूतिया औरत, शूट पे हूं यार। हाँ जी, हाँ जी मोहिनी जी बताइए। हाँ, सो मेरा पॉइंट यही है बब्बन जी, जो मैं कह रही थी, लेकिन पबजी बैन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मोहिनी जी, आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ, लेकिन एक अच्छी डिबेट वो है जिसमें मॉडरेटर की ओपिनियन ना हो। जी ठीक है, लेकिन इसी पे मैं ओपिनियन देता हूँ। चले, तो मेरा ही मानना है मोहिनी जी कि ये पबजी बैन ना बहुत गलत हुआ है, मतलब बहुत बहुत ही गलत डिसीजन था। मतलब पबजी खेलने में इतना मजा आता था यार, ये तो मतलब बम उठाते थे, यूं करके फेंकते थे, यूं करके फेंकते थे, एक बट्टी से चलाते थे, गोलियां चलाते थे, तो मजा आ जाता था। एक सेकंड मोहिनी जी, हेलो। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी मोहिनी, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पबजी बैन ना मतलब बहुत सही हुआ है, बहुत सही डिसीजन है, पूरा देश का युवा जैसे चूतिया है ना, ये सारे के सारे खराब हो चुके हैं। भाई तो चूतिया ही है, तो सारे के सारे खराब हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। तो आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे थे, आप जो बोल रहे थे कि, तो आई एम शॉक्ड टू द फकिंग कोर। दीज फकिंग युवा दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, they don't have respect for educated elders and me. बबन जी, बच्चों की तो बात ही मत कीजिए, इन यंगस्टर्स का तो काम ही हो गया है जगह जगह प्रोटेस्ट करना। आई बिलीव इनमें अकल ही नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि सारी की सारी पब्लिक अवेयरनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इनकी है, जैसे कि इनका ये संवैधानिक हक। मतलब क्या बोल, हद ही हो चुकी है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन कंक्लूड करते हैं, और इसमें हम दोनों पार्टीज को 10-10 सेकंड का टाइम देंगे, तो अपनी विचारधारा व्यक्त करेंगे वो लोग एंड बताएंगे कि उनको कैसा लगा। तो बताइए, हम लोग चालू करते हैं मिस मोहिनी जी। सो बबन जी, आई बिलीव, मैं ये कह रही थी कि बीएमसी, सुसाइड, पाकिस्तान इंडिया चाइना बॉर्डर, मंदिर मस्जिद। क्या बात है मोहिनी जी, क्या बात कर दी आपने। आई एक्चुअली गिव यू कंटेंट फॉर योर नेक्स्ट 10 डिबेट्स। बहुत ही नोटिया। चलिए, तो
चलिए इनको भी मौका दे देते हैं। एंड आप बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री की, वो कितनी ख़राब है। अगर हम देखें अपना जीडीपी कहाँ जा रहा है, फार्मर्स सुसाइड जितने बढ़ रहे हैं और केसेस। बस ठीक है, थैंक यू विनोद, बहुत अच्छा बोला। नहीं बट एक्चुअली मैं नहीं बहुत अच्छा बोला कि यार भोसड़ी वाले का माइक बंद कर लो यार, कोई बंद कर दो भाई। ठीक है, चलिए लेट्स कंक्लूड द सेशन। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक दीजिए अगली बार की डिबेट के लिए। तो आप लोग देख रहे थे फूंकता है भारत, जी हाँ, वो भारत जो फूंक फूंक के कदम लेता है। थैंक यू।